हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने रेडमी वाले मोबाइल में दोस्तों ऑटो चेंज वॉलपेपर को हटा सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। दोस्तों रेडमी वाले फ़ोन में ऑटो चेंज वॉलपेपर सेटिंग को यूज़ नहीं करना चाहते, हटाना चाहते हो, तो कैसे हटा सकते हो, कैसे स्टॉप कर सकते हो आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लॉक स्क्रीन पर जो वॉलपेपर है दोस्तों ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे मैं स्क्रीन को ऑफ़ करता हूँ और ऑन करता हूँ यहाँ पे एक नया वॉलपेपर आ जाता है इस तरीके से। तो सर आपके फ़ोन में भी इसी तरीके से लॉक स्क्रीन के जो वॉलपेपर है ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हो, तो आप इसको कैसे हटा सकते हो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है, फिर आप यहाँ पर स्क्रोल डाउन करोगे नीचे तो दोस्तों यहाँ पर आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप वॉलपेपर पर क्लिक कर देना और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना नीचे। दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी एक वॉलपेपर पे क्लिक कर लो, अप्लाई करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको सेट बोथ पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आ रही है वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज का, तो यहाँ पे की फोन पे क्लिक करोगे जो आपका वॉलपेपर दोस्तों लॉक इसका ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा जैसे आप स्क्रीन को ऑफ और ऑन करोगे। और यहाँ पर आप टर्न ऑफ पे क्लिक करो दोस्तों, टर्न ऑफ मिक्स वॉलपेपर सेटिंग। और दोस्तों आपके जो लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर ये चेंज ऑटोमेटिकली नहीं होएगा, आप देख भी सकते हो। दोस्तों जैसे स्क्रीन को ऑफ करोगे ऑन करोगे दोस्तों जो आपका लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों सेम ही वॉलपेपर है, यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते हो अपने रेडमी वाले मोबाइल में ऑटो चेंज वॉलपेपर सेटिंग को। और दोस्तों अगर आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पर फिर से किसी वॉलपेपर को सिलेक्ट करोगे तो दोस्तों आपके फ़ोन में फिर से नोटिफिकेशन आएगा ऑटो चेंज वॉलपेपर सेटिंग का। अप्लाई करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप की फोन पर क्लिक कर दो फिर से। अब दोस्तों आप देख सकते हो आपके लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा फिर से आपके रेडमी वाले मोबाइल में अगर आप स्क्रीन को लॉक करोगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया वॉलपेपर है, ऑफ़ करेंगे फिर से ऑन करेंगे यहाँ पे एक नया वॉलपेपर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करो, जब आप वॉलपेपर को सिलेक्ट करोगे अपने मोबाइल में तो यहाँ पर इसको ऑफ़ कर देना नीचे। और दोस्तों जो नोटिफिकेशन आ रहा है आप इसको हटा लो, यहाँ पर आपको क्या करना है सेटिंग में आना है आपको और आपको दोस्तों लॉक स्क्रीन सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देना, गैलेंस फॉर एमआई सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे इसको ऑफ़ कर देना। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आएगा व्हाई आर यू टर्निंग ऑफ दिस फीचर्स, मतलब आप इस फीचर को क्यों ऑफ कर रहे हो, क्यों यूज़ नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आप कोई भी एक आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देना, या आप यहाँ पर अपना भी लिख सकते हो कस्टम के मुझे पसंद नहीं है, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़ टू मच बैटरी, मैंने ऐसे ही लिख दिया बस, और टर्न ऑफ कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो जब मैं वॉलपेपर को सिलेक्ट करूँगा अपने रेडमी वाले मोबाइल में तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलपेपर को सिलेक्ट करने का दोस्तों यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन आएगा, तब आप यूज़ कर सकते हो वॉलपेपर ऑटो चेंज सेटिंग को अगर आप आई एग्री करोगे तो। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना।